ऐसे दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक फंडा है दोस्तों, ये मैग्नेट डिस्चार्ज करने में जो तरीका होता है, कैसे हम डिस्चार्ज करेंगे, देखिए वहाँ पर हमने टेस्टर में कैसे मापा था, माइनस दिखा रहा था, राइट। मतलब हम लोग जब जब चार्ज करेंगे, माइनस में चार्ज करेंगे तो कैसे उल्टा देंगे, और प्लस में करेंगे तो ऐसे देंगे। तो कोई भी मैग्नेट को अगर डिस्चार्ज करे तो अगर माइनस होगा तो प्लस में रखिए, अगर प्लस होगा तो माइनस में रखिए। तो ये मैग्नेट हमको माइनस 44 में दिखा रहा था, 45-46 दिखा रहा था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस दिखा रहा था तो हमको ऐसे रखेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक है ना। मतलब प्लस में रखेंगे। आप क्या करेंगे, एक सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, मेरा जीबी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैग्नेट चार्जर में जो डिस्चार्ज होता है, वो चार्ज के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। जो चार्ज अच्छी तरह से होता है वो 45, 46, 44 ऐसे दिखाता है। और कोई भी मैग्नेट जो कभी कभी रीडिंग 12, मतलब जो हम लोगों को जो मैग्नेट टेस्टर मशीन है उसमें हम जो रीडिंग है बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, ये सही बात है। लेकिन मैं बोलूँगा कि मैग्नेट चार्जर अब सही तरह से जीरो से लेकर कोई बढ़ाए या कमाए, मतलब जो बढ़ाने की बात है और काम में थोड़ा बिजी रहते हैं, इसीलिए मैं अपने फीचर्स मैं खुद बनाता हूँ। और कोई काम पहले से हम जानकारी नहीं था, लेकिन जानकारी लेने लेने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया है। ताकि मैं पहले से ही मैं डिस्चार्ज करने के वीडियो मैं छोड़ा हूँ। और कोई कोई वीडियो में ऐसे होता है कि डिस्चार्ज मशीन बहुत पहले से रेडी हो गया है, लेकिन डिस्चार्ज अभी थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा है, मतलब फुल डिटेल्स नहीं दिखा रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊँगा मैग्नेट चार्जर में डिस्चार्ज करने का जो तरीका होता है, वो असली चीज़ क्या होता है, ठीक है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ताकि जो रीडिंग होता है हम बढ़ा सकते, सही बात है। लेकिन मैग्नेट चार्जर में जो टेस्टर में जो भी हो, बढ़ाए या कमाए, अगर मैग्नेट चार्जर 44, 46 ऐसे आ रहा है तो वो चार्ज बहुत ही अच्छी तरह से चार्ज किया हुआ है। अगर उसके कम भी 30 या 37 ऐसे आ रहा है, वही मैग्नेट चार्ज आपके मशीन में दिखा रहा है 41 दिखाएगा, लेकिन आपका रीडिंग अगर 44 दिखा रहा है तो अच्छा है, चाहे वो टेस्टर रीडिंग ज़्यादा है या कम है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चेक कैसे डिस्चार्ज करना चाहिए। एक मेरा सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दादा आप मैग्नेट चार्ज को पूरा वीडियो दीजिए कि कैसे डिस्चार्ज करना है, तो चलिए दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, बाप रे बाप, ये एक मैग्नेट है, ठीक है ना। ये मैग्नेट को रीडिंग कितना दिखा रहा है देखिए आप। सॉरी दोस्तों, मुझे हिंदी बहुत कम आता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। ये माइनस 44.6 या 9 या 45 ये दिखा रहा है, मतलब ये फुलफिल चार्ज है। ये भी देखिए इस तरफ से 46, 45, 9, 8 मतलब दिखा रहा है ना, हाँ अच्छा है, मतलब ये मैग्नेट फुल चार्ज है। तो हम इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, चलिए मैं इसी मैग्नेट को लेकर, देखिए मैं अलग, मतलब यहाँ पर मैग्नेट दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ से वीडियो अलग अलग करके मैग्नेट ले रहा हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं ऑन लाइव मैं आपको दिखाऊंगा 46 है, यही मैग्नेट को आपको लेकर जाऊंगा, यही हाथ पकड़ा, चलिए ले जा रहा हूँ, यही ले जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक फंडा है दोस्तों, ये मैग्नेट डिस्चार्ज करने में जो तरीका होता है, कैसे हम डिस्चार्ज करेंगे, देखिए वहाँ पर हमने टेस्टर में कैसे मापा था, माइनस दिखा रहा था, राइट। मतलब हम लोग जब जब चार्ज करेंगे, माइनस में चार्ज करेंगे तो कैसे उल्टा देंगे, और प्लस में करेंगे तो ऐसे देंगे। तो कोई भी मैग्नेट को अगर डिस्चार्ज करे तो अगर माइनस होगा तो प्लस में रखिए, अगर प्लस होगा तो माइनस में रखिए। तो ये मैग्नेट हमको माइनस 44 में दिखा रहा था, 45, 46 दिखा रहा था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, माइनस दिखा रहा था तो हमको ऐसे रखेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक है ना। मतलब प्लस में रखेंगे। आप क्या करेंगे, एक ऐसे बना लीजिएगा, सिंपल से हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करता हूँ किसी से, मुझे वो इरादा नहीं है,
ताकि मेरा बेस्ट है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ। हर किसी कोई मशीन में प्रॉब्लम होता है, लेकिन डिस्चार्ज का जो वीडियो मैं मशीन जो बनाया अभी अभी दिखा रहा हूँ डिस्चार्ज का, पहले पहले वीडियो जो दे रहा था, तो देखिए चलिए। तो ये माइनस में दिखा रहा था, 46 दिखा रहा था माइनस। तो मैं इसको डिस्चार्ज करने के लिए मैं इसको प्लस में रखूँगा, मतलब उल्टा रखूँगा। तो एक लकड़ी दे दूँगा, ठीक है, एक लकड़ी, ऐसे लकड़ी आप ऐसे बना लीजिएगा, सिंपल सा फंडा, ठीक है ना, दे दिया आप इसमें, हाँ ऐसे रख लीजिएगा। कोई भी कैसे, मतलब कोई भी जो मतलब आयरन होता है या लोहा होता है, कोई किसी भी करके एक भारी सा इसमें ऊपर रखिए। अगर पल्ला में जो यूज़ होता है ना बांट कर, वो भी रख लीजिए, वो भी चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वोल्टेज उठाएंगे, देखिए उठ रहा है। हम 700 में डिस्चार्ज कर सकते हैं, 1000 में कर सकते हैं, मेरा यहाँ पर 1000 मतलब कुछ ज़्यादा वोल्ट होगा, मैं फिर भी 1000 में कर रहा हूँ। देखिए मित्रा, हाँ ये 1000 हो गया, मैं पुश कर रहा हूँ, हो गया ना। देखो अभी देखो, ऐसे बहुत सारे हम देखा रहे, मतलब बड़े बड़े बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन देखिए अभी इसको सेम वीडियो सेम मैग्नेट है, 06 हो गया, 06 मतलब 012 09 08 मतलब ये तो डिस्चार्ज हो गया। तो देखा दोस्तों, मैं यही मैग्नेट को डिस्चार्ज कर लिया, किस तरह से करना चाहिए डिस्चार्ज मैं आपको दिखा दिया। ऐसे हम उल्टा करेंगे सीधा करेंगे ऐसे कोई बात नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको माइनस को मैग्नेट को डिस्चार्ज करना है, अगर माइनस दिखा रहा है तो उसको प्लस में रखो, अगर प्लस दिखा रहा है तो माइनस रखो। माइनस रखने के बाद आप कोई लकड़ी या लोहा डायरेक्ट दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्चार्ज आपका हो जाएगा मैग्नेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम में मिलता है।